नमस्कार दोस्तों, हक एंड क्रू सॉफ्टटेक की कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कि हम किस तरीके से एक फोल्डर बना सकते हैं जो कि इनविजिबल हो। आपने हिडन फोल्डर तो काफ़ी देखे होंगे, हम उसे हाइड कर लेते हैं और फोल्डर ऑप्शन में जाके दूसरा बंदा उसको अनहाइड भी कर सकता है। बट अगर हम इनविजिबल फोल्डर बनाते हैं तो क्या होता है कि फोल्डर हमारा बरकरार होता है, सामने होता है, बट हमारे को वो शो नहीं होता। तो आइए इस वीडियो में सीखते हैं कि इनविजिबल फोल्डर किस तरह से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनविजिबल फोल्डर होता कैसा है। आप यहाँ पर देखिए, आपको कोई फोल्डर नजर नहीं आ रहा होगा, बट जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपको ये नजर आया। और हाँ, ये सच में एक फोल्डर था, इनविजिबल फोल्डर। इसमें आप कुछ भी फाइल सेव कर सकते हैं अपनी, लाइक दिस। ये फाइल इस फोल्डर के अंदर है और दिस इज नॉट विजिबल। और हम ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर फाइल हमारी डिस्प्ले हो गई होगी। सो फ्रेंड्स, इनविजिबल फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना होगा जिसका कोई भी नाम ना हो, यानी कि बिना किसी नाम का फोल्डर। तो उसको बनाने के लिए आप मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो का नाम है क्रिएट अ फोल्डर विदाउट नेम। तो उसी वीडियो के अकॉर्डिंग काम करते हैं और इस फोल्डर का भी हम बिना किसी चीज के नाम सेट कर देते हैं। देखिए, हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है जिसका कोई भी नाम नहीं है। तो अब बारी आई इसको हाइड करने की। तो इसको हिडन करने के लिए प्रॉपर्टी पे जाएंगे और कुछ नहीं करना है, कस्टमाइजेशन में जाना है। और कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आइकन चेंज करना है। आइकन हमारे यहाँ पर इनविजिबल आइकन अवेलेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप तीन, और एक ऊपर भी आगे भी कुछ आइकन है। मैं माना इस पहले वाले आइकन को ले रहा हूँ और ओके कर। तो आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर इनविजिबल हो चुका है। मैं आपको एक बार सेलेक्ट करके दिखा सकता हूँ। ये रहा मेरा पहला वाला फोल्डर और ये वो फोल्डर है जो मैंने अभी अभी बनाया है। देखिए, मैं इसे ओपन करके इसमें एक और फाइल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। ट्यूटोरियल नाम से मैंने इसमें एक फाइल इंसर्ट कर दी है और इसे बंद कर देता हूँ। जो मेरा पहला वाला फोल्डर था उसमें थी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स नाम से फाइल। तो ये रही हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स नाम से फाइल, यानी कि फोल्डर वर्किंग है और बस विजिबल नहीं हो रहे हैं। I hope this video helps you a lot. If you like this video, then please hit on the thumbs up button. You can share this video with your friends and family members. And if you not subscribe this channel yet, then please subscribe this channel to know more about these type of tricks and tips. And if you have any doubt, then you can mention the comment below. So, ye main tha G. Krishna Chauhan and thanks for watching this video.